गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, मेरे चैनल में आप सबका स्वागत है। आज हम एक औषधीय पौधा कंठकारी के बारे में बात करेंगे। इसको कटेरी, रेंगनी, भटकटिया के नाम से भी जाना जाता है। आयुर्वेद में हजारों सालों से इसका प्रयोग किया जा रहा है। ये एक जंगली वनस्पति है। ये पौधा दो प्रकार का है, एक पर्पल फूल के और एक व्हाइट फूल के। इसे कफ का काल बोलते हैं। ये कफ, पेट रोग, दांत रोग, बात, पीत, कृमि, सिर दर्द, मूत्र रोग, उक्त रक्तचाप समेत और भी अनेक रोगों में औषधि के रूप में प्रयोग किया जाता है। बालों की समस्या में यह कंठकारी चमत्कारी औषधि है। कंठकारी पौधे को कुटकर इसका रस निकाल के बालों के जड़ में अगर हम अच्छी तरह उसको लगाएंगे तो ये बालों का झड़ना तो बंद हो जाएगा, इसके साथ साथ नए बाल भी उगते हैं। बालों में रूसी डैंड्रफ है तो उसे भी मुक्ति मिल जाती है। छोटे बच्चे को इसके जो सूखे फूल उसको पीसकर शहद में मिलाकर खिलाने से कफ जैसे जो बीमारी है छोटे बच्चे को, उसमें भी छुटकारा मिल जाता है। दमे के जो मरीज होते हैं, इसका फूल और फल को इसको उसको काढ़ा बना के अगर हम उसको पिलाएंगे तो छाती में जो मौजूद कफ है वो भी निकल जाता है। किसी भी आयुर्वेद के औषधि को एक दो बार नहीं, लगातार उपयोग अगर हम करेंगे या सेवन करेंगे तभी हमको ही हमको लाभ मिलती है। कंठकारी के बारे में पढ़िए, जानिए और प्रयोग में लाइए। मिलती हूँ आपसे एक नेक्स्ट ब्लॉग में एक नई जानकारी के साथ।